लेकिन जिस सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मानखुर्द शिवाजी नगर की सीट, क्योंकि यहां से नवाब मलिक ने पर्चा भरा है, वो भी एनसीपी के टिकट पर उन्होंने पर्चा दाखिल किया है, जबकि ये सीट तो शिवसेना के कोटे की है। बीजेपी लगातार नवाब मलिक के नॉमिनेशन का विरोध कर रही थी, क्योंकि बीजेपी ने नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम का करीबी बताते हुए देशद्रोह समेत कई आरोप लगाए थे। इसी वजह से बीजेपी लगातार नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध कर रही है। समझौते के तहत यह सीट शिंदे गुट को मिली थी। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था, साथ ही में अपक्ष भी नामांकन दाखिल किया था और समय पे पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म जमा कराया गया 2:55 को, और अब मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा और इसके लिए मैं अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से इस विधानसभा से हम विजयी होंगे। नवाब मलिक के नॉमिनेशन पर बीजेपी का स्टैंड भी सामने आ चुका है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मायूती में किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं है, कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट होगी जिसकी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि नवाब मलिक की सीट पर बीजेपी प्रचार नहीं करेगी। विद्रोह नहीं है, कई जगह 2-3 जगह फ्रेंडली फाइट है, वो हम डिक्लेयर करेंगे। क्या लग रहा है अभी समीकरण क्या बैठ रहा है? मायूती का समीकरण अच्छे से हुआ है और हम अच्छे से लड़ रहे हैं, कोई भी मनमुटाव नहीं है।